राखी सावंत ड्रामा क्वीन है, ये हर कोई जानता है। वो कहाँ, कब, क्या और कैसे बवाल कर दें, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। राखी काफी समय से दुबई में थी। वो हाल ही में मुंबई वापस लौटी और बिग बॉस मराठी में हिस्सा लिया था, जहाँ वो शो के टॉप 6 कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाती दिखी थी। वहीं अब राखी इंडियाज गोट लेटेंट में नजर आई, जहां उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये दिल्ली में हुए इंडियाज गोट लेटेंट कॉमेडी शो की क्लिप बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि राखी ने कॉमेडियन महीप से चिढ़कर उनके साथ अपशब्द बोले। वो गए तो पीछे से कुर्सी फेंक कर राखी भी निकल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी सावंत ने महीप सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि महीप जी तो मेरे अंडरगारमेंट चुरा कर भाग गए। ये सुनकर सभी दर्शक हंसने लगे। इस पर महीप ने राखी को जवाब दिया कि मैंने तो आपको वापस भी कर दिए थे। एक यूजर ने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, मैंने 3:30 का एपिसोड अटेंड किया था और शो 45 मिनट लेट शुरू हुआ। जैसे ही पर्दा हटा, राखी सावंत ये कहते हुए दाखिल हुई, महीप जी मेरे अंडरगारमेंट चुरा के भाग गए थे। इस पर महीप बोले, तू वापस भी तो कर दिए थे। उस वक्त हम समझ गए थे कि 3 घंटे काफी वाइल्ड होने वाले हैं। राखी महीप को बुड्ढे और दादाजी जोक्स मारती रही। पहले महीप जी ने जवाब देना बंद कर दिया, बाद में पलट कर जवाब देने लगे। बलराज ने अच्छी तरह मॉडरेटर की भूमिका निभाई, लेकिन राखी ने उन्हें बीच में टोक दिया तो पैनल का कोई कुछ नहीं बोला। इस शो को देखने वाले कई लोगों ने लिखा कि राखी का महीप से झगड़ा हो गया था। एक ने लिखा है, राखी उठी और महीप सिंह से बोली, अब तू चुप रह, बहुत देर से बकवास कर रहा है। राखी महीप से बुरी तरह चुप 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 बोलती रही। महीप उठकर चले गए, फिर राखी ने कुर्सी फेंकी और वो भी उठकर चली गई। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि सच में झगड़ा हुआ है। बता दें, इससे पहले राखी सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी कि वो चाहती हैं कि उनकी बेल हो जाए, वो बेकसूर हैं और अपने देश वापस आना चाहती हैं। राखी ने ये भी कहा कि शमशान घाट वाले से मां की हड्डियां लेने जाना है। आपको क्या लगता है, राखी सावंत का वायरल हो रहा वीडियो स्क्रिप्टेड है या वो सच में कॉमेडियन पर भड़की हुई हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।